सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं लाभ और हानि। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक उसी प्रकार हम लोग लाभ और हानि को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन जो मेरे थे लाभ और हानि के थे। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि पहले हम लोग तीन या चार टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों को जानना ज़रूरी होता है। क्या? पहली चीज़ मेरी आती है क्रय मूल्य। पहली चीज़ आती है मेरी क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य को कहते हैं हम लोग खरीदा गया मूल्य। मैंने आपको बताया भी था, क्रय मूल्य को कहते हैं खरीदा गया मूल्य। वस्तु को जितने रुपए में खरीदेंगे, वो हो जाएगा मेरे क्रय मूल्य। जैसे मैंने कहा मैंने इस मार्कर को 10 रुपए में खरीदा, तो मैंने बाई किया ना, तो ये मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्लियर हो गया ना। सेकंड मेरा आता है विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है? तो विक्रय का मतलब होता है बेचा गया मूल्य। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने इसको बताया खरीदा था, अब मैं इसको बेच रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस कलम को 10 रुपए में खरीदा, लेकिन इसको 12 रुपए का बेच दिया। 10 का खरीदा तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, लेकिन 12 को बेचा तो मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से याद रखना बेचा गया मूल्य, क्रय मूल्य से याद रखना खरीदा गया मूल्य। लाभ का मतलब होता है फायदा, और हानि का मतलब होता है मेरा घाटा। अब यहाँ से एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लो, क्या? कि जो लाभ या हानि करोगे, हमेशा आप क्रय मूल्य पर ही करोगे। ये बात अच्छे से गांठी बांध कर दिमाग में रख लो, क्या? कि जो लाभ होगा यानी आपको जो फायदा होगा या आपको जो घाटा होगा, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही करोगे, वो विक्रय मूल्य पर कभी नहीं करोगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दूसरी चीज, कभी कभी क्वेश्चनों में क्या होता है, क्रय मूल्य नहीं दिया होता है। तब हम क्या करेंगे? देखो, इसमें मैथ का एक फंडा होता है कि जो चीज़ हमको नहीं दी होती है हम उसको मान सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो नहीं दिया है इसको आप मान सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक से भी मान सकते हैं, तो बेटा एक से मानोगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। तो हमको एक से नहीं मानना, हमको सिंपल वहाँ पर 100 मानना है, केवल हमको वहाँ पर 100 मानना है। जब कभी क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दिया होगा तब हम वहाँ पर 100 मानेंगे। इतना क्लियर? कितना मानेंगे हम लोग? 100। और एक पॉइंट और क्या याद रखना है कि लाभ आने में से किस मूल्य पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। चलिए, अब इतना क्लियर करने के बाद हम लोग सीधे अपने एक उदाहरण पे आते हैं। देखते हैं मेरा उदाहरण कैसे हम लोग इस सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो, बस आपको दिक्कत नहीं लेनी है, मैथ की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, मैथ आपको एकदम हलवा लगेगी। देखिए, मैंने पहला एक एग्जांपल कह दिया, एक पेन का, बहुत अच्छे से समझना भैया, एक पेन का क्रय मूल्य 15 रुपए है। एक पेन का क्रय मूल्य 15 रुपए है। उसको 20 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ हुआ या हानि हुई? अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर रखनी है, क्या? कि जब कभी विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य आपका बड़ा होगा तब आपका क्या होता है? लाभ। कब होगा? जब विक्रय मूल्य आपका बड़ा होगा तब होगा लाभ। लेकिन जब विक्रय मूल्य होगा छोटा, किससे छोटा होगा? क्रय मूल्य से, तब मेरी क्या होती है? हानि।
याद रखना, जब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए आपको क्या याद रखना है कि विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो बच्चा मेरे को लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य छोटा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, हानि होती है। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हमको दिक्कत नहीं लेनी है, हम एकदम पहले से छोटे से शुरुआत करेंगे और बड़े तक जाएंगे। तो चलिए, एक पेन का क्रय मूल्य, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लो। क्रय मूल्य कितना दिया गया, क्रय मूल्य दे दिया गया है आपको 15 रुपये। कितना दिया गया, 15 रुपये। उसके बाद क्या दिया गया, उसको 20 रुपये में बेचा जाता है, तो बेचे गए मूल्य को क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास, 20। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि लाभ हुआ या हानि हुआ। अब यहाँ पर आप एक आइडिया लगाओ, यहाँ पर क्रय मूल्य बढ़ा है कि विक्रय मूल्य बढ़ा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है तब क्या होगा, लाभ होगा, ये तो पता ही है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर 20 से 15 घटाएंगे तो 5 रुपये मेरा क्या हो गया, ये हो गया लाभ, ये क्या हो गया, लाभ। देखो ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप ये ना समझना कि सर हमें एकदम हल्के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो नहीं बेटा हम हल्के नहीं कराएंगे। देखो हम एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे और बड़े तक जाएंगे, अगर बड़े से सीधे पहुंच जाएंगे तब आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमको छोटा पहले मजबूत होना चाहिए, तभी तो हम बड़ा सीख पाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना कि क्या, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो मेरा लाभ होता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा, अभी पूछेगा प्रतिशत लाभ, अभी प्रतिशत लाभ भी पूछेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब बताएंगे आज की वीडियो में, आप सब कुछ एकदम लाभ और हानि का कतई गर्दा बना के उड़ा देंगे हम लोग, लाभ और हानि को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीद कर, 200 रुपये में खरीद कर, 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये की बेच दिया। क्या किया, राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेच दिया। राधा को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, इतना क्लियर हो गया ना हमसे। अब देखो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को जब आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तब आप लगा नहीं पाओगे, थोड़ा सा कूल माइंड होकर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा कि राधा ने एक बुक को 200 रुपये में खरीद कर, तो खरीदा कितने में, 200 में। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते समय ये बातें दिमाग में चलती रहें, क्या कि क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना है, तो हमारे दिमाग में चीज चलनी चाहिए कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना, 200 रुपये, और बेचा कितने में, 250 में, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। अब पूछा गया कि राधा को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अच्छा चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले देखेंगे मेरा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य मेरा है कितना, 200 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है मेरा 250 रुपये, 250 रुपये। अब हमसे पूछा लाभ या हानि, यानी कि बताया नहीं गया लाभ हुआ या हानि हुआ, तो हम खुद क्लियर करेंगे कि मेरा लाभ हुआ या हानि हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे मेरा विक्रय मूल्य बढ़ा है किससे, क्रय मूल्य से, तो जाहिर सी बात यह लाभ होगा, तो हम घटाएंगे, मेरा लाभ कितना हुआ हम पता करेंगे, तो लाभ हुआ है मेरा 250 से अगर हम लोग 200 घटा देंगे तो मेरा लाभ कितने रुपए का हो गया, 50 रुपये का हुआ लाभ। लेकिन बच्चा अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, प्रतिशत बताना आपको, तब यहां से याद रखना। एक मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद चलिए ठीक है, वन संगेन हम लोग याद करते हैं, क्या तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे कितना होता है 100,
क्या होता है? तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का सौ। अब देखो, अब क्वेश्चनों को लगाएंगे कैसे? देखो तुलना किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर कितने परसेंट बताएंगे? देखो तुलना हमेशा उसकी करते हैं, मेरे बात को जरा गौर से समझना, क्या कि तुलना हमेशा उसकी करेंगे जो लाभ होगा या फिर हानि होगी। क्या? जो लाभ होगा या फिर जो हानि होगी उसी की हम लोग तुलना करते हैं, बाकी हम तुलना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लाभ मेरा कितना हो गया? लाभ हो गया 50 का, तो हम तुलना के स्थान पर कितना रखेंगे? तुलना के स्थान पर रखेंगे 50। तुलनात्मक संख्या के स्थान पर हमेशा क्रय मूल्य रखना है। क्या रखना है? क्रय मूल्य। तुलनात्मक संख्या के स्थान पर हम लोग हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे। गुणे का सौ, क्यों सौ? क्योंकि मेरे को प्रतिशत में बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो बात करें कि मेरी तुलना कितने की हो रही, भाई 50 से तो हमको लाभ हुआ है और इसी को हमको प्रतिशत में बताना है, तो हम इसी को तो तुलना करेंगे। तो तुलना के स्थान पर कितना रखेंगे? 50 बटे तुलनात्मक संख्या। अब मैंने बताया हमको प्रतिशत निकालना है, अभी मैंने बताया भी कि प्रतिशत हमें हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। तो तुलनात्मक संख्या के स्थान पर कितना रखेंगे? 200 गुणे का कितना हो जाएगा? 100। अब दो जीरो से दो जीरो क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। 50 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। मैं यहाँ कितना आ गया? 25। और प्रतिशत निकाले हैं तो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर क्या लिख देंगे? लाभ, 25% लाभ। ये हो गया मेरा क्वेश्चन क्या, कि जो हमको रुपए में लाभ तो 50 का हुआ था, लेकिन जो हमें प्रतिशत में लाभ हुआ है वो 25% का हुआ है, यानी कि 25% का लाभ हमको हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन लाभ हानि से आप पूछे जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन लाभ हानि में पूछे जाएंगे, उस हर एक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को बिना भगाए हुए देखना है, नहीं बिना स्किप करते हुए देखना है। साथ में एक काम और भी करना है कि बच्चा तुम लोग अभी जो कमेंट में लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हो, तो लड़ाई झगड़ा प्लीज़ मत किया करिए, केवल आप पढ़ाई किया करिए। आपको कमेंट करना है तो पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करिए, अदरवाइज ना करिए। आप आराम से वीडियो का बैठ के देखिए, और पढ़ते समय आप क्या करिएगा कि एक कॉपी यानी कि नोट्स को अपने साथ में बनाते चलिएगा। जो फार्मूला आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लिए, या फिर जो क्वेश्चन जिस बेस का आपको समझ में नहीं आता उस बेस को लिख लीजिए। ये होता पढ़ने का सही ढंग। अब ये थोड़ी नहीं, आप वीडियो चल रही है, ऊपर वीडियो चल रही है, नीचे आप कमेंट लिख रहे हैं, आप उनके हाल चाल पूछ रहे हैं, आप उनके हाल चाल पूछ रहे हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने कह दिया कि किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर 20% का, क्या कहा? किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है? 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये टाइप थ्री है। इससे पहले वाले में हमने क्या प्रतिशत निकालना सीखा, इसमें क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य बताना है हमको, क्रय मूल्य पूछा भी है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो दिया है उसको आप लोग लिख लो। क्या दिया गया है? बेचने पर, तो बेचने का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको कितना दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया 2000 रुपए। उसके बाद बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ है? 20। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर लाभ कितने परसेंट हुआ है? 20%। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे क्रय मूल्य पूछा गया, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्रय मूल्य बताना है। अब मैंने बताया था
कि जिस क्वेश्चनों में क्रय मूल्य नहीं दिया होगा उस क्वेश्चन में हम लोग क्रय मूल्य कितना मानते हैं, तो क्रय मूल्य मानते हैं 100। हम लोग यहां लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर कितना 100, क्रय मूल्य बराबर 100। अच्छा आप एक चीज समझो, जो लाभ और हानि हमेशा होगा वो किस मूल्य पर होगा, भाई क्रय मूल्य पर ही तो होगा। मैंने क्रय मूल्य कितना माना 100 और कितने परसेंट लाभ हुआ है 20%। अगर मैं 100 का 20% निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने रुपयों का लाभ हुआ है। ठीक, यहां पर निकालूंगा 100 का 20%, 20 से 20 काट दिया, 20 से कम कितना हो गया 20, ये हो गया 20 रुपए। ये क्या हुआ है लाभ। देखो ये लाभ मेरा मानने पर हुआ है, मैंने मानना है क्रय मूल्य ना, तो मानने पर मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ है 20 रुपए का। अच्छा अब बात करें, अब यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया है और यहाँ पर क्रय मूल्य पता है लाभ पता है, तो क्या मैं विक्रय मूल्य बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि क्रय मूल्य में अगर लाभ को जोड़ देते हैं तो मेरा विक्रय मूल्य पता चल जाता है। यहाँ मेरा क्रय मूल्य है 100, अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा विक्रय मूल्य बराबर मेरा कितना हो जाएगा, एक तो 100 मैंने माना, दूसरा मैंने 100 पर अगर लाभ करा दिया तो 20 मुझे लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 120 रुपए। कितना आया 120 रुपए। अब समझो, यहां पर मैंने मानने से विक्रय मूल्य कितना आ गया 120 रुपए। मैंने माना ना क्रय मूल्य 100 रुपए, तो मैंने मानने से कितना आ गया 120 रुपए, लेकिन रियल में मेरा कितना है 2000 रुपए। मैंने माना तो 120, रियल में कितना है 2000, तो इन दोनों को तो इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर दिखाएंगे। तो बराबर कैसे दिखाएंगे, 120 बराबर किसके हैं 2000 के। क्यों बराबर, क्योंकि माने तब भी वस्तु इतने की बिक रही है और रियल में वस्तु इतने की बिक रही है, तो ये बराबर ये हमको दिखाना पड़ेगा। चलिए अब यहां से करना क्या पड़ता है, यहां से हम लोग एक की वैल्यू पहले निकालते हैं, कितने की एक की, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए इस 120 को इधर गुणे में इधर जाएगा, बटे में कर लेते हैं, एक बराबर हो जाएगा आपका 2000 बटे का कितना हो जाएगा 120। अब इसको काटेंगे, 2 0 1 0 से 0 कट गया, तुम्हारा कितना बच गया, तुम्हारा बच गया 200 बटे का 12। इसको काटेंगे, कैसे कटेगा देखो, 12 एक कम 12 8 बच गया ना, 20 में से 8 घटा 12 घटा देंगे तो 8 बचेगा, हो गया 80। भागशंख कितना होता है 72, भागशंख 72 ही तो होता है, फिर 8 बच गया तो भागशंख 72। ऐसे करके अगर दशमलव में जाएंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, काट के आप देख भी लेना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया 16.6। इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक बराबर कितना आ गया मेरा 16.6। अब एक बराबर आ गया 16.6, तो जितना क्रय मूल्य माने हो उसका इससे गुणा करा दो, हमें पता चल जाएगा क्रय मूल्य कितना माने 100, 16.6 का हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करा लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको 100 से गुणा कराऊंगा, किसका, अगर 100 का गुणा हम लोग 16.6 से करें तो कितना आ जाएगा 6 0 0 6 0 0 6 कम 6 फिर से गुणा करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 1 कम 1 0 0, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 1, ये हो गया ना। अब देखो दशमलव कितने अंक पहले लगा, एक अंक पहले, तो एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे हम लोग, हमारा कितना आ गया 1660, मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया 1660, यही हो जाएगा मेरा क्या आंसर। देखो जो सबसे लेंथी सवाल होते हैं, सबसे लेंथी सवाल इसी टाइप के होते हैं जिसमें हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए वो क्रय मूल्य में ही माने, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कभी कभी बहुत बड़े एग्जामों में पूछा जाता, तो हो सकता है कि आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ना आए, लेकिन समझ लेना है आपको, आपको समझ के रखना है, क्या पता भैया एग्जामिनेशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाए, किसी को कुछ पता तो है नहीं ना, तो हमको सब पढ़ के रखना है कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन मेरे पेपर में आ सकते हैं, किसमें से लाभ और हानि में से। इतना क्लियर हो गया ना कि ये कैसे लगाएंगे। देखो एक बार और इसको हम लोग रिवीजन करते हैं कैसे। देखो हमको सवाल दिया गया था किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो जो दिया गया था उसको पहले मैंने लिख लिया, विक्रय मूल्य 2000 दिया है, 2000 लिख लिया, लाभ मेरे को 20% दिया गया तो 20%, क्रय मूल्य बताना तो क्रय मूल्य हमने लिख लिया।
और मैंने बताया जब क्रय मूल्य नहीं पता होता तो क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं क्रय मूल्य, 100 क्रय मूल्य मैंने यहाँ पर मान लिया। अब जो लाभ हानि हमेशा होगा क्रय मूल्य पर होगा, तो मैंने 100 पे क्या किया, 20% का लाभ करा लिया क्योंकि है यहाँ पर, तो मेरे पास कितना हो गया 20 रुपए लाभ प्लस 100 रुपए और ऐड कर लिए क्रय मूल्य, तो मेरा विक्रय मूल्य पता चल गया ना, 100 + 20 = 120 हो गया। अब इस 120 को ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य इक्वल होंगे, तो मैंने इक्वल यहाँ पर दिखा दिया। एक की वैल्यू निकालने कितना आया 16.6 और 100 से क्या करा दिया गुणा, क्यों कराया, क्योंकि हमने 100 क्रय मूल्य मानना था, तो हो गया हमारा आंसर कितना आ गया 1660, कि वस्तु को हमने कितने रुपए की खरीदा था तो वो होगा हमें 1660। तो इन सवाल को आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो चलिए ठीक, एक और एग्जांपल इसी टाइप का एग्जांपल हम लोग एक सॉल्व करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, अब हम लोग लगाते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन किसी गाइड के नहीं है ना किसी बुक के हैं, ये सब क्वेश्चन ऐसे मैं सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हम लोग जब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा तब पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप कहोगे जी सर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में है। आपने अगर पिछले साल के पेपर को देखा होगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, एक पेन को या एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में, 900 रुपये में एक वस्तु को, एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया जाता है तो वस्तु लिख रहे हैं तो साइकिल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल को 1000 रुपये में बेचने पर, 1000 रुपये में बेचकर 1000 में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया जाता है तो साइकिल पर कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो पहला काम बच्चा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है। पहला काम जो दिया गया उसको नोट कर लो। क्या दिया गया, पहले तो खरीद कर, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया 1000, तो लिखो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया 1000। उसके बाद बेचा कितने में गया, 900 में, तो बेचे गए मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपये। उसके बाद हमसे पूछा हानि प्रतिशत हुआ कि लाभ प्रतिशत हुआ, उसकी गणना करके आप मेरे को बताइए। तो जी कैसे बताएंगे, जरा देखिए ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आपको बहुत अच्छे से मन लगा के देखना है। कैसे बात करूं, यहाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कहने का मतलब हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो हमने देखा कि जो मेरा क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य से क्या है, छोटा है। और मैंने पढ़ रखा है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है तो हमें क्या होता है, हानि होती है। तो सिंपल से हम यहाँ हानि निकालेंगे, अगर 1000 से 900 घटाएंगे तो हमारे कितने की हानि हुई, हमें 100 रुपये की क्या हो गई, हानि। 100 रुपये की क्या हो गई, हानि। अब हमको बताना हानि कितने प्रतिशत की हुई, तो प्रतिशत यानी कि तुलना करेंगे, तो तुलना वाला फार्मूला आपको याद होगा, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणन कितना होता है 100। तुलना कितने की करेंगे हम लोग, 100 की, क्योंकि 100 हमारा हुआ है ना, 100 की तुलना करेंगे, तुलना हुआ हम तुलना बटे तुलनात्मक संख्या के स्थान पर हमेशा क्या रखते हैं हम लोग हमेशा वहां पर क्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य कितना था मेरा, 1000,
तो यहाँ क्या रखेंगे, 1000 गुणे कितना होता है 100। इतना तो आपको डाउट नहीं कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये मैंने यूँ लिखा कुछ क्योंकि मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या और गुणे का कितना होता है मेरा 100। तुलना में 100 की कर रहा हूँ तो 100 लिख लिया, तुलनात्मक संख्या मेरी क्रय मूल्य होती तो मैंने क्रय मूल्य को लिख लिया, गुणे में 100 तो गुणे में 100। तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 10 एकम कितना आ गया, 10% की हमको क्या हुई है हाँ, लो आंसर आ गया। देखो इतनी जल्दी आप भी क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, कब सॉल्व करोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चनों को, आप यहाँ पर पढ़िए समझिए और उसी टाइप के क्वेश्चन बना के लगाइए, उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपने मन से बनाइए। तो आज जो हमने सीखा, क्या सीखा, लाभ और हानि। लाभ और हानि में जितने टाइप के क्वेश्चन, इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाभ और हानि में। तो ये हो गए मेरे क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना, लास्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा हार्ड या इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो मैंने कहा अगर एक फोन की कीमत 15000 रुपये है, 15000 रुपये है, क्या मैंने कहा एक फोन की कीमत 15000 रुपये है, यदि उसको 17000, चलो 20000 लिख रहे हैं यहाँ पर, 20000 में बेचा जाता है तो कितना लाभ या हानि हुआ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया, खरीदा गया, कीमत यानी कि खरीदा गया, तो क्रय मूल्य मेरा हो गया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 15000। उसके बाद बेचा यानी विक्रय मूल्य कितने का बेचा गया, 20000 का, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य, ये मेरा हो जाएगा विक्रय मूल्य, कितना है 20000। अब हमको बताना है, क्या बताना है हमको, कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हुई। तब आप यहाँ पर सोचो, अपने मन से सोचो कि जो मेरा लाभ या हानि है, क्या लाभ हुआ या हानि हुआ, विक्रय मूल्य बड़ा है किससे बड़ा, क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। चलिए भैया ये हो गया मेरा 20000 से अगर हम लोग 15000 घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 5000 का क्या हो जाएगा लाभ, 5000 का क्या हो जाएगा लाभ। देखिए कहीं भी आपको कोई डाउट लगा करिए तो आप लोग कमेंट में उसको, बाद में जब वीडियो चल जाया करिए उसके बाद में आप कमेंट में लिख दिया करिए, चैटिंग नाम करिए कि सर ये हो गया, ये बताइए बताइए, क्योंकि चैट पढ़ना आसान नहीं होता है। आप उसको कमेंट में डाल दीजिए, बाद में देखकर हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लाभ कितना हुआ 5000, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, देखिए कैसे, यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा था, क्रय मूल्य छोटा था, तो मैं बता रखा हूँ आपको कि जब विक्रय मूल्य बड़ा होता किससे, क्रय मूल्य से, तब हमें लाभ होता। लाभ कितना आ गया 5000 रुपये का, मेरे को क्या हो गया लाभ। अब हमको तुलना करना है क्योंकि प्रतिशत निकालना, तो तुलना करेंगे, फार्मूला क्या होता है, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। तुलना मेरी कितनी है, तुलना कितनी करेंगे, हमेशा जो लाभ या जो हानि होगी, मेरी बात को बच्चा गौर से समझना, जो मेरा हमेशा लाभ या हानि होगी उसी की तुलना करते हैं, कब, जब प्रतिशत निकालते हैं, अदरवाइज हम लोग उसकी तुलना नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं प्रतिशत कितना, तुलना करेंगे 5000 के लिए तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या कितनी है 15000, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 15000, गुणे का कितना हो गया 100। तो 1 से 2 यानी 2 जीरो मेरे कट गए, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा 1 जीरो फिर से काट दूंगा, फिर हम यहाँ इसको काटेंगे 15 एकम 15, फिर यहाँ कितना बचा 15 का टेबल पढ़ो, 50 से ज़्यादा ना हो तो 15 एकम 15 15 दुना 30, 15 3 कितना होता है 45, कितना बच गया 5 50 हो गया, तो 15 3 45, फिर हमारा 5 बच गया, 15 3 45, तो ये कभी कटेगा नहीं, तो मेरा कितना आंसर आएगा 33.33%। देखो अभी आपको डाउट लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर काट दिया, चलिए मैं आपको भाग करके भी बताता हूँ, नहीं आप कहोगे सर जी केवल आप ही काट देते हो, हमको काटने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेनी है।
आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, यहाँ तक कि आप जो कुछ पूछेंगे सब बताऊंगा, लेकिन बस करना आपको एक काम है, वीडियो को आपको डेली का डेली प्रोवाइड जब कराई जाती है तो डेली का डेली आप देखिए भी, साथ में वीडियो से कुछ सीखिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ऊपर कितना बचा था, 500, नीचे कितना था, 15, मेरा कितना बचा था, 500 बटे का कितना था, 15। अगर मैं हमेशा क्या बताया था परिमेय वाली संख्याओं में, अंश को हर से क्या कर देते हैं भाग, तो 5 से कितना था 500, हर मेरा कितना था, हर है 15, 15 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर एक जोड़ा लेंगे, 15 से यहाँ कितना होता है 45, कितना बच गया 5 बच गया। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितना हो गया हमारा, नहीं सॉरी एक जीरो है मेरे पास यहाँ पर, तो 15 तिया कितना हो गया 45, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है 5, अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 तिया 45, ऐसे करके कभी कटेगा नहीं तो मेरा आंसर कितना आएगा 33.33%। तो वही यहाँ पर भी अच्छा आया है 33.33%, क्या आया 33.33%। तो आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि अच्छे से समझ में आई होगी। देखो इसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, एक तो केवल लाभ और हानि निकालना है जहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा गया है उसको मैंने सॉल्व किया, दूसरा मैंने जहाँ पर प्रतिशत पूछा जाता है उसको सॉल्व किया, तीसरा मैंने जब क्रय मूल्य पूछा जाता है उसको सॉल्व किया। इससे ज़्यादा हार्ड टाइप इसमें से नहीं बनता है, बनता भी है तो वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा ये गारंटी है, इतने से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अभी जो आप लोगों ने लगाया था क्रय मूल्य वाला, वो क्रय मूल्य वाला तो लगभग 90% तो आप में आएगा ही नहीं, क्रय मूल्य पूछने वाला तो आप में आएगा ही नहीं, वैसे भी आ भी सकता है 10% आ सकता है, वैसे कोई मैं भगवान तो होने की जो मैं बता दूंगा वही होगा ठीक। तो आपको अपने हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से माइनस करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा कि जब मैं रोज जो अपनी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।